हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, निफ्टी एक रेंज में चल रहा है और 9040 ये कैंडल का लो था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको दिखाया था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे इसने ब्रेक किया, एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। मैंने आपको ये बोला था कि 9040 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 9000 के नीचे हम क्लोजिंग बेसिस पे आ गए हैं। अब यहाँ से एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में, एंड पॉसिबल है 8700 8500 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिले आने वाले दिनों में। सो व्यू अब क्लीन एंड क्लियर बेरिश है। अगर कुछ गैप अप ओपनिंग होता है तो भी शॉर्ट करना है, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो भी शॉर्ट करना है। सो निफ्टी में अभी व्यू बेरिश है 8700 एंड 8500 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था ये डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो। एंड बैंक निफ्टी में पॉसिबल टारगेट्स आते हैं 16500 तक के, यहाँ तक 16500 अराउंड 17000 एंड 16500, ये दो टारगेट्स आते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी व्यू बेरिश ही है। गैप अप ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो शॉर्ट करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 17000 एंड 16500। शॉर्ट साइड ही ट्रेड करना है, निफ्टी में भी शॉर्ट साइड ही ट्रेड करना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक। पहला स्टॉक दिया था जी एंटरटेनमेंट। मैंने आपको बताया था कि जी एंटरटेनमेंट में एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 155-150 के टारगेट्स मैंने आपको दिए थे लास्ट वीडियो में, आप मेरा लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो, और ये टारगेट्स आज अचीव हो गए। नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था जस्टडायल। जस्टडायल में भी मैंने 340-330 तक के टारगेट्स दिए थे और जस्टडायल के भी टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो। रिलायंस मैंने बाय दिया था, रिलायंस में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सो रिलायंस 1470 के ऊपर बाय था, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। MGL भी मैंने आपको सेल दिया था 890 के नीचे, MGL में भी एक इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना। आपने किसी भी स्टॉक में अगर ट्रेड किया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि यस वी हैव ट्रेडेड दिस, एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर आपने इंडेक्स में ट्रेड किया तो आप इंडेक्स का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपने स्टॉक्स में ट्रेड किया तो आप स्टॉक्स का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब डिस्कस करते हैं कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स हमें ट्रेड करने हैं। उसके पहले मैंने आपको एक लाइव ट्रेड भी दिया था आज टेलीग्राम चैनल में। डेली मैं एक लाइव ट्रेड देता हूँ टेलीग्राम चैनल में, लाइव मार्केट में अराउंड 10 AM, वन ट्रेड पर डे। सो ये क्या लॉजिक से दिया था और इसमें स्टॉप क्यों हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये मनापुरम फाइनेंस था, ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से, और ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था बार बार, यहीं पे ये सपोर्ट लेकर यहाँ से इसने बाउंस बैक किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन हुआ था, और हायर चांसेस था कि ये हाई क्रॉस कर सकता है क्योंकि हम यहाँ पर ओपन हुए थे। अगर आप मार्केट देखो, मार्केट बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट माइनस था, फिर भी मनापुरम फाइनेंस सिर्फ 2% माइनस था, 1.5% माइनस था। तो मुझे लगा था कि अगर लेट से कुछ भी रिकवरी आती तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक यही लग रहा था, इसीलिए एक प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ। हम एक प्लानिंग करके ट्रेड ले रहे हैं, लॉजिक के साथ ट्रेड ले रहे हैं, अगर ट्रेड में रॉन्ग होते हैं तो स्टॉप लॉस लेकर बाहर आ जाना है। सो प्राइस के साथ फाइट नहीं करना है, स्टॉप लॉस जो दिया है वो फॉलो करना है, टारगेट जो दिया वो फॉलो करना है। सो इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, सो वी हैव एग्जिटेड, एंड डेफिनेटली कल भी आपको 10 बजे के आसपास लाइव ट्रेड मिलेगा, वन ट्रेड पर डे इन आवर टेलीग्राम चैनल। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब डिस्कस करते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। सबसे पहला स्टॉक होगा सिप्ला। सिप्ला में अगर आप देखें रिजल्ट आया, रिजल्ट काफी अच्छा है इनफैक्ट इसका, और 600 के ऊपर ये क्लोज हुआ, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग है, और सेटअप भी बहुत अच्छा है इसका, सेटअप बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लगता है यहाँ से ये 620-630 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो सिप्ला एक काफी अच्छा बाय रहेगा, कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज अगर आप देखें फार्मा स्टॉक में वापस हमें बाइंग हमें देखने को मिला है। लुपिन भी एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम में था, आज 850 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है जो कि राउंड ऑफ नंबर है, काफी अच्छा सेटअप है लुपिन में भी। लुपिन में भी अगर आप देखें ये रेंज था, एक लुपिन में एक रेंज है ये, और जैसे ये रेंज ब्रेक करेगा हायर चांसेस है, मुझे लगता है यहाँ से 950 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो लुपिन भी काफी अच्छा बाय रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। और एक स्टॉक सेल रहेगा जो कि आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें बहुत वीक स्टॉक है, इसका रिजल्ट भी बहुत खराब आया था और इसने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है अगर आप देखें, और 300 के नीचे, 300 साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे ही क्लोजिंग हुआ है। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में 280-270 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, 10-15 रुपए का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। सो आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो शॉर्ट ही करना है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।